हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को काफ़ी सारा कमेंट्स आ रहा था कि सर आप बताइए कैसे आप गप्पी फिशेज मौली फिशेज का ब्रीडिंग करते हैं, आप इतना सारा वीडियोस दिखाते हैं गप्पी फिशेज मौली फिशेज का, तो आप उन लोगों का ब्रीडिंग कैसे करते हैं, वो लोग का टेक केयर वगैरह कैसे करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो फ्राइज है वो इतना ज़्यादा तेज़ से बड़ी होती है, ग्रो होती है, आप इतना सारा चीज़ करते हैं वो लोग के साथ, लेकिन मेरी जो फ्राइज है वो लोग इतना ज़्यादा तेज़ से बढ़ती नहीं है, वो लोग जल्दी मर जाती है। आप अपना सेटअप बताइए कैसे करते हैं, वो लोग टेक केयर वगैरह कैसे करते हैं। तो आज के वीडियो में कम्प्लीटली अपना इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह देने वाला हूँ, कैसे मैं ब्रीडिंग वगैरह करता हूँ, मुझे कितना फ्राइज टोटली मिल जाता है, मैं क्या करता हूँ फ्राइज के साथ, सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, इसलिए ये वीडियो को पूरा देखिएगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिएगा, जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं मौली फिशेस, गप्पी फिशेस, प्लेटी फिशेस, ये सारी फिशेस के बारे में। ये सारी फिशेस को ब्रीड करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आप इस हॉबी में न्यू हैं, फर्स्ट टाइम किसी फिशेस को ब्रीड कर रहे हैं, आपको भी इंटरेस्ट आया है जैसे मुझे आया है कि मुझे कोई फिशेस को ब्रीड करना है, मुझे देखना है फिशेस का प्राइस कैसा होता है, वो लोग का टेक केयर करना है, ये मोमेंट मुझे इंजॉय करना है, तो आप लोग के लिए सबसे बेस्ट जो फिशेस होगा वो मौली फिशेस, गप्पी फिशेस, प्लेटी फिशेस, ये सारी फिशेस होगा। ये सारे फिशेस को ब्रीड करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस आपको एक अच्छा सा सेटअप बनाना है। वो सेटअप में आपको क्या चाहिए, सबसे पहला एक बड़ा टैंक चाहिए। अगर आप दो या तीन मौली फिशेस या फिर दो या तीन गप्पी फिशेस का अगर आपको ब्रीडिंग भी करना है, तो आपको मिनिमम भी एक 1.5 से 2 फीट का टैंक होना चाहिए। 1.5 फीट भी ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, लेकिन मिनिमम 2 फीट का तो टैंक होना चाहिए 3 से 4 गप्पी फिशेस के लिए। वहाँ पर आपको टैंक आप ले लिए, अब आपको क्या करना है, उस पर ढेर सारा हाइडिंग प्लेस, बॉटम में ढेर सारा प्लास्टिक का प्लांट्स लगा सकते हैं। बेस्ट होता है आप प्लांटेड टैंक उसको कर दीजिए, प्लांटेड टैंक कर दिएगा कोई भी झंझट ही नहीं रहेगा, पानी फ्रेश रहेगा, ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस हो जाएगा, पानी में ढेर सारा ऑक्सीजन हो जाएगा बहुत ही ईजिली। वैसे इन्वायरमेंट में भी मौली फिशेज गप्पी बहुत ही ईजिली ब्रीड करती है, फ्राइज को ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस मिल जाता है, फ्राइज को ढेर सारा फूड मिल जाता है, एल्गीज वगैरह खाने को मिल जाता है। बेस्ट होता है प्लांटेड टैंक भी कर सकते हैं। प्लांटेड टैंक को ऐसा भी नहीं है बिल्ड करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, आप उसको बहुत ही ईजिली घर पे ही 200 से 300 में इन्वेस्ट करके आप बहुत ही खूबसूरत एक प्लांटेड टैंक बना सकते हैं। तो अगर आपको ब्रीडिंग करना है तो ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट ज़रूर से कीजिएगा, आपका एक्सपीरियंस जो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चाहे तो आप प्लांटेड टैंक बना सकते हैं, या फिर अगर आपको प्लांटेड टैंक नहीं बनाना, आपको लगता है ये बहुत ही ज़्यादा झंझट वाला काम है, तो आप सिंपल टैंक में भी कर सकते हैं। क्रेवल्स नीचे बिछा दीजिए, प्लास्टिक का प्लांट ढेर सारा नीचे में लगा दें जिससे ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस मिल जाए, केव्स वगैरह लगा दीजिए जिसमें फ्राइज फिशेस अपने आप को छुपा पाए। वो सारा चीज़ करने के बाद अब आता है रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो के बारे में। आपको एक मेल डालना है और 2 या 3 फीमेल डालना है, हमेशा याद ये रखना है, क्योंकि आपका टैंक छोटा है, 2 मेल डालिएगा, 3 मेल डालिएगा, मेल ज़्यादा डालिएगा फीमेल कम डालिएगा तो डेफिनेटली फाइट होगा। कई कई बार फिशेस मर भी जाती है इतना ज़्यादा एग्रेसिव फाइट में, नॉर्मली मौली फिशेस ही ऐसा करती है, लेकिन मैं आप लोगों को बस यही सजेस्ट करूँगा, एक मेल आपका गप्पी फिशेस मौली फिशेस ये डालिएगा, अगर आप मौली फिश का कर रहे तो एक मौली, अगर आप गप्पी कर रहे तो एक गप्पी, और उसके साथ में उसी का रिस्पेक्टिव 3 फीमेल डालिएगा मौली का या फिर गप्पी का। उसके बाद आप उसको क्या कीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। गप्पी फिशेस अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही ईजिली 1 मंथ में ही बहुत सारा फ्राइज देके भर देगी, मौली फिशेस कर रहे हैं तो 3 महीना 4 महीना आपको लग जाएगा ब्रीडिंग सक्सेसफुल होने में। दोनों का प्रोसेस सेम ही होता है, बस आपको डाल के छोड़ देना है, उसके बाद आपको इत्मीनान से वेट करना है। इस टाइम पे बहुत ही अच्छा क्वालिटी फूड देना है, सिर्फ पैलेट्स नहीं देना, बहुत ही अच्छा क्वालिटी फूड देना है। अब हम लोग तो एक न्यू हॉबिस्ट है, हम लोग इतना सारा लाइव वॉर्म्स वगैरह कैसे करें, हम लोग का तो अपनी शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है। तो ट्यूबिफिक्स वॉर्म्स आता है 40 रुपये 50 रुपये का, इतना बड़ा एक पैक आता है, वो पैक को आप वीक में 2 बार दीजिएगा, ज़्यादा मत दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा वो लोग को वीक में 2 बार दीजिएगा इनफ है, और उसके बाद बाकी टाइम पे पैलेट्स वगैरह दीजिएगा, थोड़ा सा और भी कुछ नॉनवेज वगैरह अगर रहता है तो वो सारा चीज़ को भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बेटर है। लेकिन अगर नहीं है तो आप ट्यूबिफिक्स वॉर्म्स एंड पैलेट्स वगैरह भी दे सकते हैं। ट्यूबिफिक्स वॉर्म्स वगैरह हाई प्रोटीन फूड अगर रहेगा, डाइट पर हाई प्रोटीन फूड रहेगा, तो इस टाइम पर फिशेज बहुत ही ज़्यादा तेज़ से ब्रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। अगर क्वालिटी ही फूड में नहीं रहेगा तो ब्रीडिंग करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए ब्रीडिंग के टाइम पे अच्छा क्वालिटी पैलेट्स देना, अच्छा क्वालिटी फूड देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप फूड वगैरह अच्छा दे रहे हैं, अब आता है पानी का क्वालिटी।
पानी का क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्रीडिंग के टाइम में। पानी अगर वो लोगों को अच्छा नहीं रहेगा, पानी अगर वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है वो पानी, तो वो लोग ब्रीडिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे। पानी फ्रेश रहेगा तो आप देखिएगा फिशेस भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली खेलेगी, एक दूसरे को चेस करेगी, बहुत हेल्दी रहेगी। इसलिए पानी को भी वीकली चेंज करते रहेगा, 10 से 15% पानी चेंज कीजिएगा, फ्रेश पानी डालिएगा जिसमें कोई भी क्लोरीन वगैरह ना हो। वैसा पानी डालने के बाद अब आपको क्या करना है, टेम्परेचर को भी मेंटेन करना है। टेम्परेचर मिनिमम ब्रीडिंग के टाइम पे होना चाहिए 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे कम नहीं होना चाहिए। कम रहेगा तो फिर वो लोग ब्रीडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे, 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा इस टेम्परेचर में वो लोग फूड जो भी खाएगी बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करेगी, वो लोग इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। इसलिए टेम्परेचर को मेंटेन कीजिएगा 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड में, ये टेम्परेचर में वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगी और ये टेम्परेचर बहुत ही इजली वो लोग ब्रीड करेगी। अगर आपको तेज़ी से करना है तो अब आप टेम्परेचर भी मेंटेन कर लिए। टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद अब बस आपको वेट करना है, आपको गप्पी फिशेस के लिए बहुत कम टाइम वेट करना है। 1 month में ही आप देखिएगा बेली उसका, एक गप्पी फिश मदर गप्पी फिश का जो वो तेज़ी से ग्रो होने लगेगा। बस इतना ही मैं भी करता हूँ, बस मेरा जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाता है, क्वांटिटी मेरा बढ़ जाता है इसलिए प्राइस भी मुझे बहुत सारा मिलता है। आप लोगों का क्वांटिटी मैं जानबूझ के कम बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का उतना बड़ा सेटअप नहीं है, सेटअप छोटा है तो आप लोगों को भी फ्राई फिशेज को कम ही डालना होगा। ऐसे कीजिएगा इससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा प्राइस मिलेगा। जैसे कि आप अगर तीन अगर आप गप्पी फिशेज ही डाले हैं तो एक गप्पी फिश एक बार में 15 से 20 फ्राइज दे देती है, तो उसको अब हटाए, फिर दूसरी वाली भी तो थी वो भी अब प्रेग्नेंट हो चुकी होगी 10 दिन बाद 15 दिन बाद, वो लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से ब्रीड करती है, तो वो लोग भी ऐसे करते करते आपके पास बहुत सारा फ्राइज हो जाता है एट द एंड ऑफ अ मंथ और 2 या 2 महीने के अंदर में बहुत सारा फ्राइज आपके पास हो ही जाएगा। ये एक्सपीरियंस करना ये छोटे से टाइम में इनफ है, यहाँ पर आपको बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलेगा फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम करेंगे तो। स्टार्ट कीजिए छोटे प्रोजेक्ट से ही, यहाँ पर आप बहुत सारा चीज़ सीखेंगे, बहुत सारा चीज़ आपको अपने रियलाइज होगा, उसके बाद आप धीरे 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 इसको बड़ा करते जाइएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जैसे कि आपको फ्राइज को क्या फीड में देना है, फ्राइज का टेक केयर कैसे करें, इस टॉपिक से रिलेटेड भी मेरा पहले से बहुत सारा वीडियोज़ है, वो सारे वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। एक मदर मौली फिश कप्पी फिश कब बर्थ देने वाली है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जानना, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते वक्त रहते हुए उस मदर मौली फिश या फिर गप्पी फिश को अगर आप नहीं निकालेगा तो डेफिनेटली जो भी दूसरी फिशेज वो सारे फ्राइज को खा लेंगे। इसलिए वक्त रहते मदर मौली फिश को निकालना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी ये सारे टॉपिक के ऊपर मैं पहले से बहुत सारा वीडियोस है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको ढेर सारा वीडियोस मिल जाएगा। मेरे चैनल पे भी जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी ढेर सारा वीडियोस मिल जाएगा, वो सारा वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स होप करता हूँ ये जो भी वीडियो था आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी, और अब हम लोग जल्द ही मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।